लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। भाइयों, बहनों और मित्रों, आज आप किसकी सुताई पहले देखना चाहेंगे? भारतीय झंडू पार्टी के राष्ट्रीय 26 प्रवक्ता गोबर पात्रा की या भारतीय झंडू पार्टी के लीलबा नर प्रवक्ता गौरव घटिया की? हमें उम्मीद है कछुए की तरह गर्दन और मेंढक की तरह आंखों वाले चिरकुट पात्रा की टुकाई आप सबसे पहले देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है जब डॉक्टर को पात्रा की गधे की तरह धुलाई होती है तो आपके चेहरे पर मुस्कान उभर आती है। दरअसल आज भारतीय झंडू पार्टी के झंडू प्रवक्ता और फेकू चचा के लाडले लौंडे संबित खतरा की डबल धुलाई हुई है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं आज तक न्यूज चैनल के डिबेट शो हला बोल में, जहां एक बार फिर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने बर्नौल लगा लगा कर 26 पात्रा का पिछवाड़ा गर्म किया। बता दें कि आज का टॉपिक था RSS यानी राष्ट्रीय सांप्रदायिक संघ, जिसका इन दिनों एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम में RSS ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को दावत दी थी, लेकिन कोई भी नेता राष्ट्रीय सांप्रदायिक संघ के कार्यक्रम में झांकने तक नहीं गया। इसी बात को लेकर बहस चल रही थी। गोबर पात्रा अपने गोबर भरे दिमाग और गौमूत्र भरे मुंह से RSS की तारीफ कर रहा था, लेकिन राजीव त्यागी ने राष्ट्रीय सांप्रदायिक संघ यानी RSS की फिटकरी लगाकर ऐसी हजामत बनाई कि गोबर पात्रा खोपड़िया खुजलाने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि मानो डॉक्टर चिरकुट पात्रा बीच डिबेट में ही रो पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, गोलवलकर ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं 1947 में तिरंगे के बारे में लिखते हैं कि तीन का रंग तो वैसे ही अशुभ होता है। मेरा सवाल है संघ के अपने मित्र से, तीन का रंग अगर अशुभ है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तियां हैं, काली और सरस्वती और लक्ष्मी तीन शक्तियां हैं, क्या ये भी अशुभ हो सकती हैं? तो संघ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संविधान का विरोध करता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के ध्वज का सम्मान करता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वंदे मातरम कभी गाता नहीं है। वो वंदे मातरम जिसके दो स्टंजा 1936 में पंडित नेहरू की क्यादत में एक कमेटी बनाकर के गाने शुरू हुए और देश के नौजवानों का, देश के क्रांतिकारियों का गीत हुआ करता था, उस वंदे मातरम को नहीं गाता है। भारत की USP क्या है? ये USP हमें समझनी होगी। USP है भारत की, प्रेम से हम हिंसा को जीतने का काम करेंगे, प्रेम से नफरत को जीतने का काम करेंगे, अहिंसा से हिंसा को जीतने का काम करेंगे, सत्य से असत्य को जीतने का काम करेंगे, मानवता से मानवता को जीतने का काम करेंगे। वंदे मातरम गाने से हम मना कर रहे हैं? 8 स्टैंजा कौन काटता है? त्वम ही दुर्गा दशप्रहरण धारिणी, यह कांग्रेस पार्टी ने कहा दुर्गा का नाम लेंगे तो मुस्लिम भाई अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए ये स्टैंजा काटना है। ये डर है सर, ये डर है, इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। प्लीज राजीव जी, प्लीज राजीव जी, प्लीज राजीव जी, यू आंसर माय क्वेश्चंस। डर क्यों? डर क्यों? राजीव जी क्यों? नफरत क्यों? कोई नफरत की जरूरत नहीं है देश में, प्रेम की जरूरत है देश को। मैं ड्रामा कंपनी में आया हूँ अंजना जी, हिंसा की मैं आज तक में बैठा हूँ, ड्रामा कंपनी में बैठा हूँ, प्लीज बता दीजिए। ड्रामा कंपनी वाली बात, प्लीज अंजना जी, प्लीज मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए अंजना जी। वॉट क्यों राजीव जी, अंजना जी इस प्रकार से राजीव क्यों? गांधी जी क्या कहते हैं संघ के बारे में मैं पढ़ता हूँ। बरसों पहले मैं वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर में गया था। उस समय इसके संस्थापक श्री हेडगेवार जीवित थे। स्वर्गीय श्री जमलालाल बजाज मुझे शिविर में ले गए थे और वहां मैं उन लोगों का कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ था। संघ एक सुसंगठित अनुशासित संस्था है। मेरे मित्र ने जवाब दिया कि 1934 में गांधी जी गए थे संघ के कार्यक्रम में, लेकिन गांधी जी ने यह भी पूछा था कि आपका फाइनेंस का जरिया क्या है, ये बताना भूल गए और संघ उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए, तो गांधी जी ने उसके बाद कभी गए नहीं। ये गांधी जी की मानता थे कि जिन गांधी जी पे 6 बार अटेम्प्ट किया गया मारने का, 20-3-1934 पुणे में पहला अटेम्प्ट, 1944 में दूसरा अटेम्प्ट पुणे में, 9-9-1944 को तीसरा अटेम्प्ट, 29-6-1944 को चौथा अटेम्प्ट और 20-1948 को बम के द्वारा पांचवा अटेम्प्ट और 30-1948 को महान सपूत को भारतवर्ष के संग मार देता है और गोस्से मार देता है। संघ कुत्ते की तरह लतियाए जाने के बाद भारतीय झंडू पार्टी का ये लंपट प्रवक्ता आज तक के ही दूसरे डिबेट शो दंगल में पहुंचा। यहां पहले से ही फेकू चचा के आंखों का तारा और सबसे प्यारा एंकर रोहित सरदाना कछुए की तरह गर्दन और मेंढक की तरह आंखों वाले इस 26 पात्रा का इंतजार कर रहा था। 2 दिन पहले जो सवाल सरदाना ने भारतीय झंडू पार्टी के प्रवक्ता गौरव घटिया से की थी, वही सवाल आज सरदाना ने गोबर पात्रा से भी पूछ लिया। लेकिन हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं को सबसे ज्यादा चपत लगाने वाली BJP यानी भारतीय झंडू पार्टी के राष्ट्रीय गोबर प्रवक्ता डॉक्टर चिरकुट पात्रा भी गौरव घटिया की तरह सरदाना के सवाल को घुमाने लगा।
आपने जो बात उठाई वो पूछ रहा हूँ संबित से, और साथ में संबित पात्रा मेरा भी एक सवाल। आप हिंदू हित की बात करते करते सत्ता में आए, कितना हिंदू हित आपने सरकार में आके कर दिया? मुझे तीन ऐसे काम बता दीजिए सिवाय ये कहने के कि हमने हिंदुओं के मन में हिंदू होने की भावना जगा दी। तीन ऐसे काम बता दीजिए जो आपने हिंदू के लिए किए पिछली 4.5-4.75 साल की सरकार। रोहित जी, बैंकॉक जाते जाते फ्लाइट मानसरोवर में उतर जाती है। रोहित जी, आज टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ताओं में होड़ लगी हुई है कि वो हमसे बड़े हिंदू हैं। रोहित जी, ओसामा बिन लाडेन को ओसामा जी कहने वाली पार्टी आज अपना जनेऊ दिखा रही है। देखिए, क्या मैं ये मानूं कि सरकार की उपलब्धि यह है कि उन्होंने कांग्रेस को मैदान में हिंदू होने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए रोहित जी, मुझे ये सरकार की उपलब्धि? रोहित जी, मैंने बहुत देर सुना, अब थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। आपने मुझसे सवाल पूछा, जैसे उनको सुन रहा था, अब मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, कहीं नहीं भाग रहा हूं। क्या सरकार की 4.5 साल की उपलब्धि यह है कि हमने कांग्रेस को भी अपने को हिंदू कहने के लिए मजबूर कर दिया? रोहित जी, आप जानते हैं सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है? सबसे बड़ा परिवर्तन विश्व में मानस परिवर्तन होता है। जो लोग हिंदू को हेट करते थे, हिंदुओं के ऊपर डिबेट चलता था कि ये रूढ़िवादी है, ये सुपरस्टिशियस लोग हैं, ये वोट बैंक नहीं है। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत करने आए थे, हिंदू कांग्रेस वाला भारत थोड़ी करने आए थे। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि घनश्याम तिवारी भी रियलाइज करे कि वो हिंदू है। मैं तो चाहता हूँ कि अखिलेश जी भी रियलाइज करे वो हिंदू है। और देखिए, मैं हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं कर रहा। टीवी की दुनिया के इस राखी सावंत के ड्रामे को देखकर आखिरकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से नहीं रहा गया। उसके बाद तो घनश्याम तिवारी ने कछुआ छाप पात्रा की ऐसी फिल्म बनाई कि बीना मालिक भी ये देखकर शर्मा गई। हमारे इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, आज भी उनका वही नाम है जो उनके माता पिता ने रखा था, चाहे वो संबित हो या घनश्याम तिवारी हो। और हमारे वो नाम है, वो धर्म है जो परिवार से हमें मिला है। तो इनके यहाँ चिल्लाने से, इनके कहने से मैं हिंदू हो गया हूँ, ये शर्मनाक है। ये ऐसे लोग हैं जो भाई भाई को लड़वाते हैं, मौका खोजते हैं। एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इस तरह का भाषण देना कि ये लोग तुम्हें भून के खा जाएंगे, ये कौन से लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जगह जगह दंगे करा के राजनीति में आगे बढ़े। ये वो लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गोली मारी। तो भाई, आज के इस डबल धमाके से संबित खतरा को बिना पैरासीटामोल की गोली लिए नींद नहीं आने वाली। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सच सबसे आगे।